गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है मैजिक पर्स। इसमें सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, ये समझिए क्या है। फर्स्ट है जनरस, लिबरल यानी कि उदार, मेहरबान। मैडन या यंग गर्ल इसका मतलब है युक्ति। फार एंड वाइड, एवरीवेयर, दूर और व्यापक या हर जगह प्रेजेंट होने वाली चीज। डिसअपॉइंटेड, सैडनेस यानी कि निराश या दुखी। डिज़ायर, विश यानी कि इच्छा, किसी भी चीज़ की डिज़ायर होना, विश करना। एस्ट्रोनॉइस्ट या सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित कर देना, चौंका देना। आउटकम, रिजल्ट या परिणाम, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आना, आउटकम, उसका प्रोड्यूस या प्रोडक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द आउटकम, वॉट वॉज द आउटकम, ऐसा क्या नतीजा था जिसके बारे में सब जानकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो प्रिंस वॉन द रेस, राजकुमार ने रेस जीत ली थी, इसलिए सब बहुत खुश थे उसके आउटकम से। व्हाट डिड लॉर्ड शिवा गिव टू द प्रिंस, भगवान शिव ने राजकुमार को क्या दिया। इसमें ये भी पूछा था क्यों, लेकिन हमें सिर्फ इतना लिखना है कि भगवान शिव ने राजकुमार को क्या दिया। तो आप पर्ल नेकलेस, एक मोतियों का हार। व्हाट डिड प्रिंस पद्मिनी थिंक बिफोर पिंकिंग अप द लास्ट पर्ल, वॉज शी लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट, व्हाट कॉस्ट शी हैड टू पे फॉर इट। जो राज अंतिम मोती लेने से पहले राजकुमारी ने क्या सोचा और उसको वो क्या ओवर कॉन्फिडेंट थी या उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो सिर्फ हमें इतना बताना है, यस शी कुड विन द रेस, राजकुमारी वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने सोचा ये मोती उठाकर तो मैं ये रेस जीत लेती। नेक्स्ट डे वॉज द प्रिंसेस हैप्पी टू मैरी प्रिंस एट लास्ट, एटलीस्ट क्या राजकुमारी राजकुमार से शादी करके खुश थी। यस, पिक आउट द एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी दैट एक्सप्रेस ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द यंग प्रिंस। कहानी से कुछ हमें वर्ड्स निकालनी है जो कि जो युवा राजकुमारी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता को क्या करें, व्यक्त करें। तो पद्मिनी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो राजकुमारी थी बहुत सुंदर थी। ग्रो अप टू ब्यूटीफुल मेडन, और वो आगे चलकर बहुत एक सुंदर युवती के रूप में क्या हुई, विकसित हुई। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑल कोविड और ऑल लॉस्ट, इसका मतलब ये है कि हमें ऑल कोविड और ऑल लॉस्ट ऊपर क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, लालच बुरी बला, ये उसी की बेस्ड एक इन्होंने टॉपिक दिया हमें, ऑल कोविड ऑल लॉस्ट। तो इस पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो क्या लिखना है कि दिस मेड इफ यू ट्राई टू ऑब्टेन एवरीथिंग, जब हम सभी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ भी पीछे छोड़ देते हैं। यानी कि कुछ करने के लिए हमें या अपना टाइम देना होता है या हम किसी चीज़ को इग्नोर करके उसको कर रहे होते हैं। यानी जब हम सब कुछ अचीव करने के पीछे भाग रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा पीछे छूट रहा होता है। यानी कि लालच एक बुरी बला है, उसके ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है ऑल कोविड ऑल लॉस। तो यू रिस्क लॉसिंग एवरीथिंग, ऑल डेज आर शॉर्ट, हार्ड वर्क एंड लॉन्ग टू आइडलनेस, एज इन द स्टोरी ऑफ द गोल्डन गूस। यानी जब आप सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो ये सब कुछ खोने का जोखिम होता है, या तो आप सब कुछ खो दोगे या कुछ ना कुछ पा लोगे। सभी दिन कम परिश्रम और आलस्य के लिए लंबे होते हैं। अगर आपको किसी काम को कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा अरे दिन तो कितना कम है, अभी तो मुझे और भी बहुत कुछ करना है। और अगर आप घर में आराम से बैठे हुए हो तो आप आलस में सारा टाइम बता दोगे और आपको लगेगा इतना लंबा दिन है। ये उस चीज़ के बारे में बताता है, जैसे कि सुनहरे हंस की कहानी में भी इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आपके साइनोनिम्स दिए गए हैं, इसको आप अपनी ग्रामर की बुक में लिख सकते हैं या फिर जो आपने नोटबुक बनाई है उसमें भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट जनरस, काइंड, गिविंग, मेहरबान, उदार। मेडन यानी कि गर्ल या यंग वूमेन। नेक्स्ट है डिज़ायर यानी इच्छा, और कोविड आ गया तो लोभ, वॉन्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है डिसाइड अपार्ट इंस्टीड ऑफ, आउटकम, रिजल्ट, प्रोड्यूस। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें फुल अपने लिखना है, जैसे प्राउड ऑफ दिया हुआ है, इसका फुल सेंटेंस बनाना है हमें। तो आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है। प्लेस्ड विद इसका बनाएंगे तो लॉर्ड शिवा वॉज प्लेस्ड विथ प्रिंस, भगवान शिव राजकुमार से प्रसन्न थे। फोंड ऑफ के शौकीन, प्रिंसेस वॉज फोंड ऑफ पर्स, राजकुमारी जो थी वो मोतियों की शौकीन थी। एस्ट्रोनॉइस्ट इसका है कि पंडित वॉज एस्ट्रोनिस्ट टू शी, पूजा अरेंजमेंट यानी पूजा की व्यवस्था को देखकर पंडित जी क्या रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। विक्ट्री, एटलीस्ट विक्ट्री वॉज माइन, कम से कम जीत तो मेरी थी। इसके बाद जो मैंने दिए हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशियस जेम, ये सिर्फ आपको जानने के लिए दिए गए हैं। डायमंड, पर्ल एंड रवि, इनके जो पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।